देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी की ये तस्वीर है, यहाँ पर हम एक बार नमस्कार करेंगे गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर जी को। यहाँ विशेषकर ये ड्राइंग रूम में बैठते थे, यहाँ पर बैठकर कविताएं लिखा करते थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। पानी 1000 लीटर का 350 रुपए बाजार में, बाजार में और जगहों पर क्या रेट देते हैं? जितना दूर जाएगा रेट बढ़ता जाएगा। पानी के तो यहाँ बहुत समस्या है। बहुत अभी की स्थिति में तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का सरकारी ठीक लग रहा है मेरे व्यक्तिगत हिसाब से। दीदी मोदी कौन पसंद है? हमको मोदी पसंद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल चले हम और मैं हूँ विशाल पांडे। आज हम पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले में। एक वक्त था जब ये दार्जिलिंग का हिस्सा हुआ करता था और ये दार्जिलिंग लोकसभा में ही आता है। इस जिले में एकमात्र विधानसभा सीट है, वो है कलिम्पोंग। तो कलिम्पोंग में क्या है सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव का, यहाँ की जनता क्या चाहती है और कलिम्पोंग की समस्याएं क्या है, आज हम बंगाल चले हम में ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से कलिम्पोंग की एक एक जानकारी आपको देंगे। कलिम्पोंग में हम इस वक्त पहुंचे हैं गौरीपुर हाउस। गौरीपुर हाउस वो जगह है जहां पर गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर रहा करते थे। कलिम्पोंग में ये उनकी सबसे पसंदीदा जगह थी। यहां से रहकर रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सी कविताएं लिखी और सबसे फेमस उनकी कविता थी जन्मदिन, जो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर यहीं से प्रसारित की थी। आज हम शुरुआत यहीं से करेंगे। आप देखिए यहाँ पर लिखा भी है गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ रहते थे, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे और इस इमारत की स्थिति देखी तो हमें बहुत दुख हुआ। यहाँ पर आपको यह बिल्डिंग खंडहर जैसी दिखाई देगी, कोई रख रखाव यहाँ पर नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल की सरकार इसे हेरिटेज के तौर पर विकसित करने का प्लान जरूर बना चुकी है, लेकिन सिर्फ कागज तक ही वो प्लान सीमित है। यहाँ की दीवारें आप देखिए, कोई रंगाई पुताई नहीं, काई की परत जमी हुई है मुख्य द्वार पर ही, और पूरा का पूरा ये स्थिति दिखाता है कि कैसे महापुरुषों के नाम पर राजनीति तो बहुत हो जाती है, वोट बैंक की सियासत भी हो जाती है, बंगाली अस्मिता के साथ भावनाएं जोड़ने की कोशिश कर ली जाती हैं, लेकिन गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की इस प्रमुख जगह को बिल्कुल भुला दिया गया। इधर आइए, क्या नाम है आपका? भाले। अच्छा, यार रविंद्रनाथ टैगोर जी यहीं पे रहा करते थे। हाँ। अब आप लोग यहाँ पर इसकी देखभाल करते हैं, हमें दिखाएंगे अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जी का कमरा, ड्राइंग रूम जहाँ पर वो लिखा करते थे। हाँ। चलो ठीक है, आओ चले। यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं आज भी जो कम से कम देखभाल करते हैं। नमस्कार दीदी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजीता शर्मा। संजीता शर्मा जी, कब से आप इस घर की देखभाल कर रही हैं? हम लोग तो जेनरेशन से, मेरा ग्रैंडफादर मदर से आगे से हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, और अभी तक भी देख रही हूँ। हाँ। तो इधर में रविंद्रनाथ टैगोर आगे आकर बैठा करते थे। हाँ। और इधर में बैठ कर कविता जन्मदिन किए थे। हाँ। और ये दो प्लांट है कपूर गाछ। हाँ। और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना हाथ से लगाए हैं। हाँ। यहाँ पर बहुत सारे क्या लगाए हैं? कपूर गाछ, इसका ये जो पेड़ है। हाँ, ये दोनों गाछ अपना हाथ से लगाए हैं कपूर। हाँ। इसका नाम है कपूर गाछ। दीदी यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई आया आप लोग की मदद के लिए कि इस घर को थोड़ा अच्छा बना दिया जाए? आया था, तो इसको मेजरमेंट सब कुछ करके चले गए हैं। हाँ। लेकिन बोल रखा था ये कोविड के कारण ले अभी नहीं हुआ, बाद में जो कोविड के बाद में हो सकता है इसको म्यूजियम बनाएगा। आगे लेकर चलते हैं आपको इस घर के अंदर जहां पर गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने जन्मदिन लिखा था, उसकी कुछ पंक्तियां भी जो हमें अंग्रेजी में अनुवाद करके मिली है, हम आपको वो सुनाएंगे। अंदर चलते हैं। गौरीपुर हाउस, रविंद्रनाथ टैगोर, पूरा का पूरा घर वीरान पड़ा है, खंडहर स्थिति में है। यहाँ पर सरकार
म्यूजियम बनाने का दावा और वादा दोनों करती है, लेकिन स्थिति बिल्कुल आपके सामने है। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं यहाँ पर कैसे सब कुछ बिल्कुल खराब स्थिति में पड़ा हुआ है। दरवाजों में कुंडियां तक भी टूट गई हैं। ये एक कमरे की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, सारे शीशे टूटे हुए हैं, सारी खिड़कियां टूटी हुई हैं। ये यहाँ पर आप देखेंगे एक और कमरा है, इसकी भी हालत खराब पड़ी है, ताला बंद है, जंग लग चुका है, पूरे लकड़ियों में दीमक लग चुके हैं, खराब स्थिति में है। यहाँ पर तिरपाल लगाकर बोरे का ये लोग थोड़ी रक्षा करते हैं ताकि बारिश वारिश जब हो तो पानी अंदर ना आए, बौछारे पानी का अंदर ना आए। ये स्थिति है आप देखिए यहाँ पे। हालांकि एक केयर टेकर है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी देखभाल करती आई हैं, वो अपने खर्चे से इसकी देखभाल कर रही हैं। कितना कर पाएंगी, 4,500-5,000 रुपया ही वो कमाती हैं, लेकिन फिर भी ये जो महिला है, ये जो परिवार है उनका, ये लोग सरकार को भी एक आईना दिखा रहे हैं। ये छोटी बच्ची, ये भी इस घर का देखभाल करती है, लेकिन सरकार इस घर का देखभाल नहीं करती है। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी की ये तस्वीर है, यहाँ पर हम एक बार नमस्कार करेंगे गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर जी को। यहाँ पे रहा करते थे टैगोर साहब, इधर आइए। रहा करते थे जो ठंडी में यहाँ पर आग जलाते थे, ये चिमनी है हाँ, इधर में हमेशा आग जलाते थे तो इधर ही बैठते थे और घूमने के लिए जाते थे बाहर। यहाँ विशेष कर ये ड्राइंग रूम में बैठते, बेडरूम से जब हम आगे आते हैं ड्राइंग रूम आता है, यहाँ पर बैठकर कविताएं लिखा करते थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, और यहीं से उन्होंने वो प्रसिद्ध कविता जन्मदिन लिखी थी। और अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने 1938 में ऑल इंडिया रेडियो पर वो कविता सुनाई थी। और इसी बालकनी में, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया, रविंद्रनाथ टैगोर जी खड़े होकर इस दृश्य को देखा करते थे, लेकिन अब स्थिति क्या है आपके सामने। आशीष जी यहाँ के एक स्थानीय पत्रकार हैं। आशीष जी, ऐसी दुर्दशा क्यों है रविंद्रनाथ टैगोर के घर की? ये सरकार की लापरवाही है। जो स्थिति आप देख रहे हैं, ऐसी स्थिति तो नहीं होनी चाहिए थी। आशीष जी, रविंद्रनाथ टैगोर अभी बंगाल के चुनाव में हर कोई एक बड़ा मुद्दा बना रहा है उनको ये जोड़ते हुए कि हम उनका बहुत सम्मान कर रहे हैं, कोई कह रहा है हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई सम्मान नहीं कर रहा है। ये आप देख ही सकते हैं, ये घर को देख के आप समझ सकते हैं कि कितना सम्मान किया जा रहा है रविंद्रनाथ टैगोर का। आगे बढ़ते हैं कुछ और इलाकों में, आपको लेकर चलते हैं बंगाल चले हम में, यहाँ से गौरीपुर हाउस से। अंतिम में हम यहाँ रजिस्टर में अपना फीडबैक जरूर देंगे। चलते हैं, जय बाय। अब अंतिम में यहां से जाने से पहले हम बस यही कहेंगे, देश के तमाम लोग, पश्चिम बंगाल के तमाम नेता, पश्चिम बंगाल की सरकार, कलिम्पोंग का जिला प्रशासन, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, हर कोई गौरीपुर हाउस की यह तस्वीर जरूर देख ले। और हम उम्मीद करते हैं बंगाल चले हम जी न्यूज के माध्यम से शायद सरकार इस स्थान को जल्द से जल्द म्यूजियम में तब्दील करे, ताकि उनकी यादों को रविंद्रनाथ टैगोर जी की बचाकर रखा जा सके। बढ़ते हैं आगे कुछ और इलाकों में। कलिम्पोंग पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक माना जाता है, और यहाँ पर पर्यटक बहुत दूर दूर से आते हैं। इस वक्त हम कलिम्पोंग के एक स्टैंड पर पहुँचे हैं जो कि टैक्सी स्टैंड है यहाँ का। इनकी पूरी जिंदगी, पूरी रोजी रोटी, कमाई का जरिया पर्यटक ही होते हैं। इन लोगों से पूछते हैं क्या समस्याएँ, क्या परेशानियाँ। लॉकडाउन के बाद में तो हम लोगों को तो मेन डिपेंड करता है स्कूल और टूरिस्ट में कलिम्पोंग का। तो अभी स्कूल भी पूरा तरह से खुला नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट तो बिल्कुल ही ना बराबर है। तो सरकार ने कोई मदद की आप लोगों की? स्टेट गवर्नमेंट ने 6 मंथ का टोकन टैक्स में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया, 3 मंथ फ्री करके। देखिए और भी लोग यहाँ पर हैं। किसका काम अच्छा लगा आप लोगों को? 10 साल ममता दीदी रही केंद्र में, मोदी जी की सरकार। अभी की स्थिति में तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का
सरकारी ठीक लग रहा है मेरे व्यक्तिगत हिसाब से। दीदी मोदी कौन पसंद है? हमको मोदी पसंद है। मोदी पसंद है क्यों? क्योंकि हमको लॉकडाउन में इतना हेल्प किया है ना। अभी तो टीएमसी ने भी अच्छा काम तो नहीं किया है यहाँ पर। जब अभी इलेक्शन पास में आ रहा है तभी थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है। हाँ, पहले तो कुछ भी नहीं किया था। देखिए यहाँ पर कलिम्पोंग में कुछ महिलाएं हैं जो सुबह सुबह अपना दुकान खोल रही हैं। दीदी नमस्कार, क्या नाम है आपका? प्रणीता। प्रणीता जी, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमने सुना पानी के लिए बहुत परेशान होना पड़ता है। बहुत परेशान है, पानी नहीं आता है। पानी कल में तीन दिन में आता है। अभी पानी का खूब जरूरी समस्या है। पानी नहीं है, पानी एकदम ही नहीं है। इस वक्त हम पहुंचे हैं कलिम्पोंग के लेप्चा मॉनेस्ट्री, क्योंकि कलिम्पोंग में बुद्धिस्ट लोग भी बहुत भारी संख्या में रहते हैं। और ये जो गुम्पा है यहाँ पर लगभग 150 परिवार रहता है। बुद्धिस्ट लोगों के लिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में मुद्दा क्या है? क्योंकि हमने आपसे वादा किया है बंगाल चले हम आप हर तबके के पास लेकर चलेंगे, हर समुदाय के पास लेकर चलेंगे। इसीलिए जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनका क्या कहना है? पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, आप लोग के वोट होंगे, क्या किया आपके लिए सरकार ने 10 साल में ममता दीदी ने? मॉनेस्ट्री के लिए तो किया नहीं है, लेकिन लेप्चा जाति के लिए बहुत किया है। वो जो ये हॉस्टल वगैरह है वो उसका ही ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है वहीं के फंड से बना हुआ है। क्या समस्याएं आती हैं आप लोग की, परेशानियां क्या है? परेशानी तो बहुत है इधर में। गुम्बा के मॉनेस्ट्री के लिए अच्छा टॉयलेट भी नहीं है इधर। और जितना वो क्या मेंबर्स है ना वो गुम्बा में आते और बैठने के लिए वो भी अच्छा सुविधा वही तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो आज तक किया है हम लोग ने अपने कंट्रीब्यूट पे किया है, जितना खड़ा हुआ है इतना उतना ही। सरकार की कोई मदद नहीं अभी अभी तक तो नहीं है। कलिम्पोंग में जब आप इस गलियों में जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, तो आपको एक तस्वीर ऐसी दिखाई देगी। यहाँ पर एक गाड़ी पर दो दो टंकियाँ आपको दिखाई देंगी पानी की, और ये प्राइवेट लोग पानी बेचते हैं। 1000 लीटर की जो टंकी होती है उसका किराया 350 रुपये लिया जाता है, यानी 350 रुपये में 1000 लीटर पानी देते हैं। ये आप ही की गाड़ी है? हाँ जी। कितने इलाकों में आप लोग पानी देते हैं लोगों को? जितना ऑर्डर आएगा उतना ही। पानी 1000 लीटर का 350 रुपये? हाँ, बाजार में। और जगहों पर क्या रेट देते हैं? जितना दूर जाएगा रेट बढ़ता जाएगा। हाँ भैया, क्या समस्या आती है पानी की? पानी की तो यहाँ बहुत समस्या है। हाँ, बहुत समस्या। दीदी पानी ऐसे खरीदना पड़ता है आप लोगों को? ऐसे खरीदा, पानी नहीं मिल पाता। नहीं है पानी तो घर तक सरकार पानी नहीं पहुंचा पाती। नहीं अभी तक तो, अभी तो लेकिन 2 दिन में आता है ना, आधा घंटा के समय आता है। हां, खरीदना पड़ेगा पानी। कर दीदी सुबह सुबह अगरबत्तियां जला दी हैं आपने? पूजा हो चुकी है। क्या नाम है आपका? वंदना गुप्ता। वंदना गुप्ता जी, कलिम्पोंग में देख रहे हैं पानी की सबसे बड़ी समस्या। जी हाँ। कैसे जिंदगी चल पाती है फिर? अब पानी खरीद के चलाना पड़ता है और कैसे चल रहा है। कितना पानी खरीदना पड़ता है आप लोगों को? हम लोगों को तो माने हफ्ते में तो 3 बार तो खरीदना ही पड़ता है। चले दीदी, एक चीज और बता दीजिए, इधर कलिम्पोंग में दीदी या मोदी कौन है आप लोगों की पसंद? हम लोगों के लिए तो मोदी ही है। ये आगे बढ़ते हैं। जी जी बोलिए। पानी तो ठीक ही है, 2 दिन में आता है, कोई बार एक दिन में आता है, अल्टरनेट करके देता है, पर छोटा समय देता है, ज्यादा नहीं देता है, 15 मिनट 20 मिनट देता है। वोट मांगने आते हैं? आता है तो वोट तो सबको देता है वोट, इस बार तो किसी को नहीं देता है हम वोट। नहीं, वोट देने जाइएगा, ये आपका अधिकार है, लेकिन जब नेता वोट मांगने आए तो उनसे पानी जरूर मांगिएगा। कितना बार मांगा है पानी, तो कौन देगा पानी? कितना बार मांगा है पानी, तो पानी और नाली और उसका समस्या तो कितना है हमारा इधर, तो सबसे ज्यादा पानी का ही समस्या है। आगे बढ़ते कुछ और इलाकों में।
कलिम्पोंग का ये हाट बाजार है जो कि लगभग 100 साल पुराना है और यहाँ पर आपको अधिकतर महिलाएं ही इस बाजार में काम करती हुई दिखेंगी। और इन लोगों की समस्याएं क्या हैं, कैसे ये लोग कामकाज कर रहे हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं। इधर कलिम्पोंग का सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा क्या है, ममता दीदी ने 10 साल में क्या किया यहाँ पर आप लोगों के लिए? अभी 2-3 सालों से तो मैं छुपी हूँ, लेकिन जो देख रही हूँ एब्जॉर्ब भी कर रही हूँ। ममता दीदी ने हद तक किया ही है, जो भी अभी डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में किया है, लेकिन इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना है इस बारे में। अच्छा नहीं, अभी साइलेंट में है हम। साइलेंट है? साइलेंट वोटर क्या करेगा इस बार? नहीं, अभी जब वोट देंगे तभी करेंगे, क्योंकि वोट ही बोलेगा, वोट बोलेगा, साइलेंट वोटर नहीं बोलेगा, इनका वोट बोलेगा। क्या चाहते हैं आप लोग? ममता दीदी ने क्या किया 10 साल में यहाँ पर कलिम्पोंग के लिए? कुछ थोड़ा काम किया, बड़ा काम तो नहीं किया। जैसे क्या काम नहीं किया? जैसे रोड अच्छा नहीं है, मेन समस्या कलिम्पोंग पानी है। हाँ। म्यूनसिपालिटी का महिला जहाँ भी है वो जहाँ तक वही है, और म्यूनसिपालिटी का जगह जो होता है ना महिला जलाने के लिए, वो जगह नहीं है। मेन तो कलिम्पोंग में पानी का बहुत समस्या है। मोदी जी आने से अच्छा है, क्यों ना वो देश के लिए कुछ कर रहे हैं ना मोदी जी। लोग बोलता है ना इसका सामान का दाम बढ़ा है, वो बढ़ा है, वो भी नहीं है, देश के लिए कुछ कर। घर का किचन कैसा चल रहा है? महंगाई ज्यादा है, क्या है? बहुत महंगाई है, बजट बिगड़ रहा है। बजट काम नहीं कर रहा है। हाँ जी। गैस सिलेंडर क्या रेट है? गैस सिलेंडर का घर तक पहुँचाने का 1050 लेता है। हाँ जी। 1050 रुपए घर तक लेने की। तो अच्छा, आप लोगों की पसंद कौन है इस बार इलेक्शन में? पसंद तो अभी तो बता नहीं सकती हूँ, पर इतना एजुकेशन हुआ है, पर भी काम तो नहीं है कलिम्पोंग में। जो स्टूडेंट के लिए काम कुछ भी नहीं है, पर पढ़ा फिर भी बाहर जाना पड़ रहा है, कुछ यहाँ पर काम ही नहीं है। बंगाल चले हम में, अब हम आपको लेकर आए हैं कोरोनेशन ब्रिज के पास, जो कि तीस्ता नदी के ऊपर बना है। स्थानीय लोग इसे बाघ पुल के नाम से भी जानते हैं। उत्तर पूर्व राज्य जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करना होता है, और 2011 में जब भूकंप आया था तो इस ब्रिज को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनकी मांग क्या है। तमाम लोग यहाँ पर बैठे हो, नमस्कार। तो ये कोरोनेशन ब्रिज पे आप लोग की मांग है कि नया पुल बने, कितनी पुरानी मांग है और बन क्यों नहीं पा रहा है? अभी ये ब्रिज तो वहाँ पर लिखा है कितना 37 बहुत पुराना हो गया है ये। अभी तो अभी डोरस जो है, डोरस को जोड़ता यही है। पुल कहाँ पर बनाने की मांग है आप लोगों को, इसके अलावा पुल कहाँ बनना चाहिए? इसके अलावा तो दूसरी जगह तो एक सेवक बाजार है। हाँ। वहाँ पे बनना चाहिए था। भैया पुल बनाने की मांग कितनी पुरानी है, नया पुल कब तक बनेगा, क्यों नहीं बन पा रहा, नेता क्यों नहीं ध्यान देते हैं? नेता के लिए तो हम लोग कुछ बोलने नहीं छक रहे हैं, नेता के लिए तो बहुत उठ रहा है जनता लोग, लेकिन साथ ही नहीं दे रहे, नेता लोग कोई साथ नहीं दे रहे। हमने कलिम्पोंग में अलग अलग इलाकों में काफी वक्त गुजारा, यहाँ के लोगों से बातचीत की। पहाड़ में पानी की सबसे बड़ी समस्या है, सरकार पहाड़ पर विकास के तमाम दावे करती है, लेकिन जनता जब वोट लेने का वक्त आता है तभी उन तक नेता पहुंचते हैं, उसके बाद उन्हें भूल जाते हैं। कलिम्पोंग में और इस पूरे पहाड़ का एक मुद्दा है कि सेवोक पर एक अल्टरनेटिव ब्रिज और बनाया जाए, ताकि डुआर्स और पहाड़ को जोड़ने वाला यह पुल सुरक्षित रह सके। जनता की इन मांग पर सरकार को, राजनीतिक दलों को ज़रूर विचार करना चाहिए, ताकि उनकी मदद हो सके। बंगाल चले हम में कलिम्पोंग से आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी पश्चिम बंगाल के किसी और शहर में। आप देखते रहिए बंगाल चले हम, जी न्यूज़। मुझको चाहिए। मतुआ समाज के लिए किस सरकार ने काम किया? मतुआ समाज के लिए ममता जी कुछ नहीं काम किया। क्या पसंद है चुनाव में दीदी, मोदी कौन? मोदी। और दीदी जाएगा तो सब मिट जाएगा। दीदी आपकी बगिया तो हरी भरी है, पर टीएमसी की बगिया के कई फूल सूख चुके हैं, जा चुके हैं बीजेपी की तरफ। देखिए वो तो बीजेपी के तो है कुछ नहीं, तो वो तो खरीदने वाला है। ये मेरे ख्याल से दिमाग में अभी इतना प्रेशर है, कुछ संभाल नहीं पा रहे हैं, जो कुछ भी बक रहे हैं।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.